So what is up guys? It's me, Shivayan Das, your average NEET aspirant. I hope you all are doing fine and are healthy in life. So I gave my NEET yesterday and it went quite well. It is, it's 8th of May today and the answer sheets are out, but I haven't yet matched my answers with answer sheet. Calm down. I know you all came here टू सी माई स्कोर, टू सी माई मार्क्स. आपको तो दूसरों के कलेज देखने में बहुत मज़ा आता है ना. ठीक है, आई विल अपडेट अबाउट माई मार्क्स. आई हैवेंट इट मैच्ड माई आंसर्स विद आंसर शीट. आई विल अपडेट माई स्कोर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स कट द चेज एंड स्टार्ट माई वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई वुड बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ नीट एग्जाम एंड शेयरिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई पास्ड आउट क्लास 12th प्रीवियस ईयर and appeared for NEET in the same year. I got around 310. FYI, I was forced to opt all of the four subjects, PCMB. So I think I did quite well in my first attempt. After seeing the score, me and my family agreed that I should take a drop, not from the seventh floor. I should take an academic drop and prepare for NEET. So I enrolled in Yakin 2.0 batch and took a test series, D2, I think the batch's name was D2, from same PW. The first 3 to 4 months were quite well. I studied, matlab literally jaan laga ke padh raha tha, proper gaand khisai ho rahi thi. Pehle 3-4 mahine maine bahut sundar se padhai ki. But then somehow the intensity and the momentum started to fade. It felt like a train samne se guzar rahe aur main bas thoda sa hi dur, main train ko nahi pakad pa raha, samajh rahe ho na. मतलब आँख के सामने से नींद हाथ से फिसलते जा रहा था. बट somehow आई wasn't एबल टू कैच इट. सो दैट्स what happened. सो आई थिंक चलो जो हो गया, 3-4 महीने बढ़िया से पढ़ाई की, 2-3 हफ्ता वेस्ट हो गए थे. वेस्ट मतलब क्या, लूज पढ़ाई हो रही थी. तो लेट्स बिल्ड अप बैक द इंटेंसिटी दैट आई लॉस्ट. एंड इसी मतलब फोकस और मोमेंटम को ढूंढते ढूंढते 4 महीने बीत गए. ब्रा मोमेंट हो गया. आई नो दिस सिचुएशन एस्केलेटेड प्रीटी क्विकली. मैं आपको इसके बारे में एक अलग से एक वीडियो में बताऊंगा. बट फास्ट फॉरवर्ड टू 1 week बिफोर नीट. आई लॉस्ट ऑल माई मोमेंटम. पढ़ रहा था, पढ़ाई हो रही थी, पर किसके लिए, अपने लिए पढ़ रहा था, किसी दूसरे के लिए, किसके लिए पढ़ रहा था मुझे खुद भी नहीं पता. टेस्ट्स नहीं लग रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे तो, पर इट वॉज टेकिंग टाइम टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. मतलब राइट पॉजिटिव माइंड सेट में नहीं था, बहुत फॉगी ब्रेन हो गया था. आई डोंट नो वॉट हैपेंड. सो एंड वन थिंग टू नोट कि ठीक है, 1 week पहले, 1 week बिफोर माई नीट, नीट वॉज ऑन 7th में एंड 1 week बिफोर 30th अप्रैल मेरा WBJE का डेट था. एंड यस, हाँ जी, मैंने WBJE भी दिया है. नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाला है. सो नाउ द डे बिफोर नीट, आराम से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, केमिस्ट्री के चार्ट्स देखे, ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ देखा मैंने, और जल्दी मैंने पढ़ाई निपटा के सो लिया क्योंकि फ्रेश माइंड होना चाहिए. मैंने अपने 7 to 8 hours की नींद कंप्लीट की. आई वेकअप प्रेटी लेट, 7-8-9 बजे के पास उठा. देन आई हैड माई लंच, नाश्ता वास्ता करके मैं चल गया. नीट का सेंटर एकदम बगल ही में था, मतलब घर के बगल में एक स्कूल था, वहीं पे नीट का सेंटर था. सो एवरीथिंग, द ऑल प्रोसीजर्स बिफोर नीट वेयर क्वाइट स्मूथ. द 3 hours ऑफ नीट वेंट फास्ट एज फक बॉय. मतलब 3 घंटे क्या होते नहीं पता, पलक झपका नहीं 3 घंटे बीत गए. इट टुक मी अराउंड 1 hour फॉर फिजिक्स, 45 minutes फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था. एंड 45 minutes फॉर बायोलॉजी. फिर मैंने जो छोड़े हुए क्वेश्चन उसको देखे, बबलिंग किया, रिवाइज किया. देन आवर पेपर गॉट कलेक्टेड, वी लेफ्ट द सेंटर एंड आफ्टर कमिंग आउट आई फेल्ट लाइट, आई फेल्ट फ्री. लग रहा था कि इमेजिनरी सब बोझ हो गया तो जो कंधे से उतर गया है. सो फिर मैंने पापा से बात किया, बताया उनको कि कितना मार्क्स आ रहे. आई थिंक एक्सपेक्टेड के आसपास ही आएंगे एंड आई होप आई गेट अ GMC कॉलेज. होप इज़ द बिगेस्ट थिंग. वही है ना कि होप और फेथ बहुत माइनस्क्यूल लेवल में होता है, फिर भी आप उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो होप को. आई होप आई गेट अ GMC. सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो एंड फाइंड दिस सिचुएशन क्वाइट रिलेटेबल. इफ़ यू एन्जॉयड माई वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड एट लास्ट,
सावधान रहे, सतर्क रहे। एंड लास्ट थिंग, मेरे अपकमिंग वीडियोस दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई और WBJEE पे होने वाले, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। बाय।